दोस्तों, ये सैमसंग का इन्वर्टर मॉडल फ्रीजर डबल डोर, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर का कहना है कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा। और जो दोस्तों जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, इसमें कूलिंग है बट बड़ी माइनर सी है, इसमें बर्फ भी नहीं बना रहा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये इसका नीचे वाला पोर्शन है, इसमें तो दोस्तों जीरो कूलिंग है। ये जो फ्रिज पोर्शन है, फ्रीजर पोर्शन सॉरी, इसमें कूलिंग है बट बड़ी कम है, इसमें बर्फ नहीं बना रहा दोस्तों। चलिए सबसे पहले इसके डक्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके डक्ट के होल हमने पहले से ओपन करके रखे हुए हैं। चलिए डक्ट को बाहर निकालते हैं। दोस्तों जो इसके कनेक्शन है, ये फैन मोटर के हैं और एक सेंसर होता है, इसको भी डिस्कनेक्ट करना होता है। ये देखिए कितनी ज़्यादा आइस आई हुई है, ओवर आइसिंग है दोस्तों। चलिए सबसे पहले आइस को मेल्ट कर लेते हैं। इसी कारण हमारा जो फ्रीज़र ये नीचे कूलिंग नहीं कर रहा था, और कस्टमर का कहना था ऊपर साउंड भी आ रही थी बहुत ज़्यादा। देखिए आइस मेल्ट हो चुकी है, हमने दोस्तों गर्म पानी की हेल्प से आइस को मेल्ट कर लिया। चलिए इसके पार्ट्स को चेक करते हैं। ये सेंसर है, डिफ्रॉस्टेटर है दोस्तों, सभी को चेक करना होगा। ये देखिए, ये सेंसर को चेक करने के लिए हमने अपने जो मल्टीमीटर है इसको 20 किलो ओम्स पे सेट कर लिया। देखिए जो येलो वायर है दोस्तों, ये सेंसर की है। सबसे पहले सेंसर की वैल्यू चेक करनी होगी। ये देखिए, ये सेंसर की वैल्यू 5.60 मीन्स बिल्कुल ओके है दोस्तों, सेंसर तो ओके है हमारा। अब इसका जो थर्मल फ्यूज़ है, इसकी जो रेड वाली वायर है दोस्तों, ये थर्मल फ्यूज़ है। थर्मल फ्यूज़ को हमें कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना होगा मल्टीमीटर को। इसको दोस्तों कंटिन्यूटी मोड पे ही चेक किया जाता है। ये देखिए कंटिन्यूटी मोड पे हो चुका है। देखिए इसमें बीप की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा जो थर्मल फ्यूज है ये बिल्कुल ओके है। चलिए भी इसके जो डिफ्रॉस्टेटर है इसको चेक करते हैं। डिफ्रॉस्टेटर को भी 20 किलो ओम्स पे ही चेक किया जाता है। इसमें दोस्तों वैल्यू होनी चाहिए। देखिए इसमें कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब हमारा हीटर जो ख़राब है, शॉर्टिंग भी नहीं है। चलिए कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं। ये दोस्तों इसका डिफ्रॉस्ट हीटर, ये देखिए जहाँ से जल चुका पूरा, इसलिए हमारी ओवर आइसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए इस हीटर को निकाल लेते हैं, नया हीटर लगाते हैं इसकी जगह। ये हमारा दोस्तों न्यू हीटर, देखिए ये जेन्युइन कंपनी का ही है। चलिए भी इसे फिट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ओल्ड वाला डिफ्रॉस्टेटर है, ये जान से जल चुका है दोस्तों। तभी हमारे फ्रिज में प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें दोस्तों लाइट ब्लिंक कर रही थी 1 डिग्री वाली। इस केस में हमारा हीटर ही ख़राब होता है। ये देखिए ओल्ड वाला हीटर जो मैंने निकाल दिया, अब न्यू इंस्टॉल कर दिया। चलिए भी कनेक्शन वगैरह को कर लेते हैं, फिर से चेक करते हैं। ये देखिए कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अभी डक्ट को लगा लेते हैं दोस्तों। देखिए हमारी डक्ट फिट हो चुकी है। चलिए चेक कर लेते हैं फ्रिज को। ये देखिए दोस्तों, अभी एरर बिल्कुल नहीं आ रहा है। पहले जो 1 डिग्री वाली लाइट थी वो ब्लिंक कर रही थी, अभी दोस्तों बिल्कुल ओके है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।